हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, मैं आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। और आज का ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसराइल में सैलून में कितना पैसा लगता है, बाल कटवाने के लिए, सेविंग्स करने के लिए कितना पैसा लगता है। तो आप लोगों को आज ये दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हो मेरा जो है बाल जो है काफ़ी बड़ा हो गया, तो अभी मैं जाऊँगा और हेयर कटिंग के लिए जाऊँगा और हेयर कटिंग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना पैसा लगता है यहाँ पे। मैं अभी घर पे हूँ, सुबह जो है अभी लगभग 11 बज रहे हैं। आज फ्राइडे है और छुट्टी है, तो थोड़ा काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था जाऊँगा, मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज थोड़ा टाइम है तो आज बाल कटवा लेंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे। यहाँ पर इसराइल में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हर किसी बिल्डिंग में जो है नीचे जो है नीचे का फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, और बेसमेंट आप लोग कुछ भी बोलिए, ग्राउंड फ्लोर ये हमेशा जो है खाली रहते हैं। इसमें ज़्यादा बिल्डिंग नहीं होते, ज़्यादातर पार्किंग के लिए यूज़ होते हैं। हर किसी जगह देखिए, ये सामने वाला बिल्डिंग, ये भी, और किधर से भी देखेंगे तो ये देखिए हमेशा ये खाली रहते हैं। हर चीज़ में, हर बिल्डिंग में ये नोटिस किया। देखिए ये वाला बिल्डिंग और दूर में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है सारे देखिए, ये मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर है। देखिए ये काफ़ी अच्छा जगह है, थोड़ा शांत है, और जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट है, वाइजमैन इंस्टीट्यूट का बिल्कुल करीब है। जस्ट वाइजमैन इंस्टीट्यूट का जो गेट है वहाँ से 4-5 मिनट लगता है पैदल। देखिए, और यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया कि जो कार जो है ये रोड के साइड में जो है पार्किंग करते हैं ये लोग, ये बिल्कुल सेफ है। अभी सर्दी का टाइम है, लेकिन अभी सर्दी धीरे धीरे जा रहा है और गर्मी थोड़ा जो है गर्मी आ रहा है। ये जो सामने देखिए, ये अभी बिल्डिंग देखिए, नीचे पूरा खाली है, नीचे कार पार्किंग करते हैं और नीचे कुछ भी नहीं रहते हैं। देखिए देखिए इसराइल का ये जगह, और ये देखिए मैं आपको रास्ते के उस तरफ जा कर दिखाता हूँ। देखिए ये है मेरा हम लोगों का अपार्टमेंट। आज काफ़ी धूप निकला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए ये जो दूर में जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं ग्रीन कलर का, वहाँ पे एक शॉप है, एक ग्रोसरी शॉपिंग है। वहाँ पे हम लोग नॉर्मली थोड़ा बहुत जो इमरजेंसी चीज़ें जो ख़त्म हो जाते कभी कभी, तो वहाँ पर वो शॉपिंग करते हैं। और बाकी उसके बगल में जो है, पहले मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए एक चौराहा ही है, और ये सामने की तरफ जो है ये है वाइजमैन इंस्टीट्यूट बिल्कुल मेरे सामने। और यहाँ पे वहाँ से आने में जस्ट 5 मिनट लगता है, ये चौराहा ही है। देखिए एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो बिल्डिंग जो है मतलब इसराइल का सारे देखिए एक ही जैसा है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और बाकी सारे जहाँ भी दिखाई दे रहे आप लोग देखिए, ये भी बिल्डिंग देखिए, सारे एक ही जैसा है। आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे अगर रोड का जो है नाम अगर सही से आप लोग नहीं देखेंगे तो सारे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी चल के ये रोड को क्रॉस कर लेते हैं। रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग हेयर कटिंग के लिए जो शॉप है वो बिल्कुल बगल में शॉप है, वहाँ पे चलेंगे और हेयर कटिंग करेंगे। अभी फ्राइडे है और फ्राइडे जो है दोपहर 2 बजे 2:30 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद जो है वो बंद हो जाता है। तो अभी चल के जल्दी जल्दी हेयर कटवा लेते हैं। एक्चुअली क्या है इसराइल में, जैसे ही आप लोग हेयर कटिंग के लिए भी जाएंगे आप लोग, तो आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैं एक्चुअली अपॉइंटमेंट लिया नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे आज टाइम मिलेगा या नहीं, तो मैं इसलिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया। तो मैंने उनको अभी अभी पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो पता है उन्होंने क्या बोला, 12:30 बजे तक अपॉइंटमेंट मिलेगा। अभी बज रहे 11, यानी 12 बजे, 12:30 बजे से पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अभी दो लोग ऑलरेडी वहाँ पर है जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद भी और दो लोग है, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट के बगैर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं, अगर मिल जाते हैं, क्योंकि ये घर के पास ही है तो
आपने सोचा ठीक है थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अभी दोस्तों हम लोग ये थोड़ा हमारे अपार्टमेंट का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत छोटा सा गार्डनिंग होता है यहाँ पे। देखिए बहुत सारे पेड़ है और नींबू का पेड़ है, इसमें से इसमें सबसे ज़्यादा नींबू है, तो मुझे जो है दो नींबू चाहिए अभी, जल्दी जल्दी दो नींबू यहाँ पे तोड़ लेते हैं, सब यहाँ पे तोड़ के ले जाते हैं जिसको जो ज़रूरत है। तो हम पूरे साल भर यहाँ पे देखिए कुछ जो है नींबू जो है ऑलरेडी पक गए हैं, कुछ जो है अभी आ रहे नया, और उसके साथ देखिए कुछ जो है देखिए पक, कुछ जो है नींबू पक गया और कुछ जो है देखिए यहाँ पे फूल भी आए हैं। तो ये सारे थ्रू द ईयर जो है यहाँ पे नींबू आते रहते हैं। देखिए कुछ जो है अभी कच्चा है और ये फ्री है, कोई भी मतलब जो भी लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वो सब जो है भी यहाँ से लेके जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने कभी शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे देखिए एक सेफ्टी मेज़र के लिए जितना भी गैस है, गैस सिलेंडर है, ये देखिए बिल्कुल घर के बाहर जो है गैस सिलेंडर रहते हैं। कोई भी गैस सिलेंडर जैसे इंडिया में होता है घर के अंदर एकदम किचन में होता है तो वो मतलब बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि कभी अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा बिल्डिंग एकदम उड़ जाता है। यहाँ पे जो है ये सेफ्टी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे जो है गैस सिलेंडर जो है बिल्कुल घर के बाहर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये टेक्निक हम लोगों को भी अपनाना चाहिए, एक्सीडेंट को मतलब जितना कम से कम हो सके उसके तरफ जो है ये इशारा करते हैं। चलिए मैं दो नींबू लेता हूँ और ऊपर की तरफ चलता हूँ, जब 12:30 बजेगा तो फिर आऊँगा और तब बल कटवाऊँगा। बहुत सारे नींबू है लेकिन मैंने दो ही तोड़ा, देख सकते हो कि कितना एकदम कितना बढ़िया है, मस्त नींबू है। दोस्तों अभी बिल्कुल 12:30 बज रहे हैं और मैं फिर से सैलून की तरफ जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे 12:30 बजे अपॉइंटमेंट दिया था, तो मैं फिर सैलून की तरफ जा रहा हूँ, घर के बगल ही है आप लोगों को पता है, तो फिर मैं जा रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम पे मिलता है। ये है दोस्तों देखिए रास्ते के दूसरे तरफ सैलून है, यहाँ से देखिए व्यू थोड़ा। कहाँ से आ रहे हो भाई, अपॉइंटमेंट है क्या? अच्छा, ये है देखिए दोस्तों, ये सैलून का नाम है अभी डिज़ाइन, यहाँ पे इसका भी अपॉइंटमेंट है। देखिए बिल्कुल घर के पास है, अभी भी बोल रहे 10 मिनट टाइम और लगेगा, तो थोड़ा 10 मिनट वेट करने पड़ेगा। दोस्तों जब तक वेट कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सैलून का अंदर दिखा देता हूँ, मैं इनसे परमिशन लिया हूँ ये थोड़ा वीडियो बनाने के लिए। आपको परमिशन लेना चाहिए क्योंकि हर कोई अलाउ नहीं करते, लेकिन ये हेयर ड्रेसर जो है सैलून वाले बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको पहले पूछ लिया कि क्या मैं कर सकता हूँ एक बार वीडियो, तो बोला सही है आप लोग कर सकते हो, तो इसीलिए कर रहा हूँ। ये देखिए ये आंटी वेट कर रहे हैं, ये भी लाइन में है, कुछ आधा हो गया इनका, फिर ये वेट कर रहे हैं। देखिए पानी पीने के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए बंदोबस्त है, मुझे चाय पानी के लिए पूछा तो मैंने बोला मैं अभी नहीं पीऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता सैलून में पीना, और मैं अभी भी घर से आ रहा हूँ, ये इनका जो हो रहा है इसके बाद ही मेरा जो है टर्न है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग को देखिए छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, लेकिन ये घर के पास है इसीलिए मैं ये जो है प्रेफर करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। एक्चुअली मेनी पीपल आस्क मी अबाउट हाउ मच इट कॉस्ट एंड प्लीज टेल, बिकॉज मेनी इंडियंस आर कमिंग इन इजराइल, ओके, एंड दे आस्क मी लाइक हाउ मच इट कॉस्ट। So, for haircut for men it's 60. Yes. And for women it's 120. Yes. So जैसे कि आप लोगों ने सुना, for men 60 shekels and for women 120 shekels. And I know this salon for more than 2 years now, and is like expertise is very nice, so you can definitely come here and thank you you can you know avail this facility, he's nice guy, so I will show you.
दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना कि बॉयज का हेयर कटिंग के लिए लगता है 60 सेकल्स यानी लगभग 1300 इंडियन रुपीस और गर्ल्स के लिए लगते हैं 120 सेकल्स यानी 2700 रुपीस के आसपास। और ये सिर्फ हेयर कटिंग के लिए, अगर आप जो बाकी जो कलरिंग और भी बाकी फैसिलिटीज़ है स्पेसिफिक वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा कम हो सकता है। और सेविंग्स के लिए लगते हैं 30 से 40 सेकल के आसपास, और बाकी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो ये रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक है। बाकी दुनिया के साथ भी कंपेयर करोगे तो ये ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं अभी हेयर कटिंग करके आया और आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे कैसे हेयर कटिंग करते हैं इसराइल में और कितना पैसा लगता है, सारे चीज़ें आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को पता चला कि इसराइल में हेयर कट करने के लिए, सेविंग करने के लिए कितना पैसा लगता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे ही और भी ब्लॉग लेकर आएंगे नेक्स्ट किसी दिन, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी।